हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 बताया था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.6 पे, ठीक है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो भी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसी के आधार पर है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन है, ठीक है। उन इक्वेशन को इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं कि उनको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो उसको पहले हम उस फॉर्म में रिड्यूस करके ले आते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 के पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2x + 1/3y = 2। ये पहला इक्वेशन हुआ 1/3x + 1/2y = 13/6, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें रिड्यूस किसको किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है वेरिएबल को। किसको किया जाता है, वेरिएबल को। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया कि जो 1/x है, ठीक है, इसको मान लिया a और 1/y को क्या मान लिया, b, ठीक है। तो अब देखिए 1/x को मैंने a माना है, तो ये क्या हो गया a/2, और 1/y को क्या माना है, b, तो b/3 = 2। पहले इक्वेशन से देखिएगा 1/x को a माने है ना, तो ये हो गया a/2। 1/y को क्या माने है, b, तो b/3 = क्या हो गया, 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 3a और 3 2 6 2b, 3a + 2b/6 = 2, तो 3a + 2b, अब 6 का 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 12, तो 3a + 2b - 2a = 0, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से इसको मैंने बनाया है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए दूसरे इक्वेशन से आते हैं, 1/3x + 1/2y = 13/6, सेम काम वही होगा। 1/x को हमने क्या माना है, a, तो a/3, 1/y को क्या माना है, b, तो b/2 = 13/6, तो ये हो गया 2a + 3b, और जैसे एलसीएम लेकर के डिवाइडेड बाय 6 = 13/6 हो जाएगा। तो अब ये देखिए 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 2a + 3b = 13, तो 2a + 3b + 13 इधर आया, तो क्या हुआ, -13 = 0, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमको दो इक्वेशन मिल गए। तो अब ये देखो जरा, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हो गए, बात समझ में आया। इसमें a और b क्या है, वेरिएबल, a और b क्या हो गए हैं, वेरिएबल हो गए हैं। अब इसको आप चाहो तो जिस मेथड से सॉल्व करना आपको, इलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, ग्राफिकल से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए जैसे हम क्या लिखते हैं, x, y और 1 लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा a, b और 1। क्या लिखा, a, b और 1। तो आपको पता है कहां से शुरू किया जाता है, बीच वाले से शुरू किया जाता है, तो ये क्या है, 2 लिख दिया, फिर उसके बाद -12, फिर उसके बाद 3 और फिर 2 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए बीच वाले शुरू करिए, 3 हुआ, -13 हुआ, फिर 2 हुआ, और फिर सबसे पहले वाला लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए -13 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ -26, और 12 में 3 से मल्टीप्लाई होगा -36। अब माइनस करेंगे तो ये मानेंगे माइनस लगा दिए, ठीक है। -12 में 2 से मल्टीप्लाई होगा -24, और -13 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ -39 हो गया, बीच में माइनस लगा हुआ है, 3 3 9 2 2 4। अब देखिएगा a और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5, तो a/10, तो b/15, तो ये हो गया 1/5, ठीक है। तो अब देखिए ये बन गया ना, तो हम इसको और इसको पकड़ते हैं, तो a/10 = 1/5, तो a = क्या हो जाएगा, 10/5, तो 10/5 हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं इसको, इसके आगे, ठीक है, हमने a को माना है ना, सब्सिट्यूट किया है, a का वैल्यू कितना है एक्चुअल में, 1/x, ठीक है। तो a की जगह लिखा हमने 1/x, तो 1/x = क्या है, 2, तो x क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1/2। फिर इसको और इसको लेते हैं, तो b/15 = 1/5, तो b = क्या होगा, 15/5, 3 हो गया, ठीक है। अब b का वैल्यू कितना माने थे, 1/y माने थे, 1/y = 3, तो y = क्या हो जाएगा, 1/3, तो x = 1/2 और y = 1/3, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस किया, बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद है 4 अपॉन अंडर रूट x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको देख के पता चल गया होगा हमको रिड्यूस क्या करना है। हम मान लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2a और ये हो गया 3b और इज इक्वल टू 2। ठीक, पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से क्या हुआ 4a माइनस 9b, देखो आप 4 अपॉन रूट x है तो 4a हो गया, ये क्या हो गया 9b इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। तो मैंने इसको मुझे लगा कि इलिमिनेशन से ज्यादा इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी है आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस और ये माइनस है, और ये 3b था और ये 9b था, तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9b हो जाएगा, और इस 9b को इस 9b में ऐड करेंगे तो क्या होगा 20 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है फ्रॉम 3 इंटू 3 प्लस 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 में क्या कर दिया ऐड कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया 4a, ये माइनस 9b इक्वल टू माइनस 1। अब इसको ऐड करिए आप तो 6 से 4a कितना हो गया 10a, प्लस 9b से माइनस 9b कैंसिल, और 6 में से 1 गया कितना बचा 5, तो a इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 10 1 अपॉन 2। अब a का वैल्यू 1 अपॉन रूट x है, तो 1 अपॉन रूट x इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो रूट x इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, लेकिन हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो ये रूट x इक्वल टू 2 है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने इसका स्क्वायर किया है, तो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा x हुआ, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू 4 निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो a का वैल्यू निकाले हैं उसको तीसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते, तीसरा वाला इक्वेशन क्या था 2a + 3b = 2, a का वैल्यू 1 अपॉन 2 आया, तो मैंने a की जगह 1 अपॉन 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल 1 बचा, प्लस 3b = 2, तो 3b = क्या हो जाएगा, अब देखो ये प्लस 1 इधर आया तो क्या हुआ माइनस 1, तो 2 में से बन जाएगा 1, तो b = क्या हो गया 1 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, 3b = 1 है तो b = 1 अपॉन 3, अब b का वैल्यू 1 अपॉन रूट y, तो 1 अपॉन रूट y = 1 अपॉन 3। ठीक है, तो रूट y क्या हो जाएगा 3, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, फिर y का वैल्यू निकालने के लिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर किए हैं हमने, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू क्या हो गया 9। ठीक है, एक चीज मैं और बता रहा हूँ, देखो कि आप अगर चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिना रिड्यूस किए हुए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको बिना रिड्यूस किए हुए आपको बता दूंगा। ठीक है, गलत से वीडियो बना के मैं बिना रिड्यूस किए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लगा के बता दूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इसमें, जैसे देखो ये 3 था और ये 9 था, आप सीधे इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है ना, ये कट जाएगा ना अपने आप, फिर ये आप ऐड करना, उससे रूट एक्स का वैल्यू सीधे निकलेगा और उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल लेना, तो आप चाहो तो बिना रिड्यूस किए हुए भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहा हूँ क्या रिड्यूस करना है, उसके बाद आप उसको खुद लगाइएगा। जैसे देखिए तीसरा वाला इक्वेशन है 4 अपॉन एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन है 3 अपॉन एक्स माइनस 4 वाई इक्वल टू 23। ठीक है, तो इसमें देखो y के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, y के साथ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमें रिड्यूस किसको करना पड़ेगा, x को करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से क्या बनेगा 4a प्लस 3 वाई इक्वल टू 14, ये बना, और उसके बाद इससे क्या बन जाएगा 3a माइनस 4 वाई इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसके आगे आप खुद करिएगा। ठीक है, डू योर सेल्फ, अब करेंगे क्या, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, चाहे किस भी मेथड से कर सकते हैं, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजी पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें क्या होगा a का वैल्यू निकलेगा, वाई का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, a का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो जब a का वैल्यू आएगा तो a की वैल्यू की जगह 1 अपॉन x रख करके आप x का वैल्यू निकाल देंगे, बाकी y का तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आते हैं 5 अपॉन x माइनस 1, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 है और ये दूसरा इक्वेशन क्या है 2 है, तो इसमें अब आपको पता चल गया होगा कि हमें रिड्यूस क्या करना है, क्या रिड्यूस करना पड़ेगा। 1 अपॉन x माइनस 1 को मैंने a मान लिया और 1 अपॉन y माइनस 2 को मैंने b मान लिया, तो पहला इक्वेशन क्या होगा 5a और ये हो गया b इक्वल टू 2, और ये दूसरा वाला 6 है माइनस 3b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। इसको आप इलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इलिमिनेशन मेथड से,
खुद देख लीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आराम से क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके आगे आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है, डू योर सेल्फ। जैसे आप निकालेंगे तो ए और बी का वैल्यू निकलेगा। अब ए का वैल्यू है कितना, 1/(x-1) है, तो जब ए का वैल्यू आया उसकी जगह आप 1/(x-1) पुट करेंगे, वहां से एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, करिएगा इसको, और फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है 7x-2y/xy=5 और ये 8x+7y/xy=15, ठीक है। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप हमको करना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है फ्रॉम 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूँ 7x-2y/xy=5, ठीक है। अब ये एक्स वाई से डिवाइड किया हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x/xy-2y/xy=5, लिख सकते हैं ना। एक्स वाई से डिवाइड करना मतलब इसमें भी डिवाइड करना, इसमें भी डिवाइड करना, ठीक है। अब आप देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 7/y, यहाँ वाई से वाई कैंसिल हुआ, कितना 2/(x=5), समझे। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप देखो दूसरे इक्वेशन से सेम थिंग, 8x/(x-y)/7y/(x=15। अब आप x से x को काट दो, y से y को, तो 8/(y)/7x=15, बस समझ में आया। अब क्या करेंगे इसमें, 1/(x) को ये मान लेते हैं, 1/(y) को b मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जरा देखो पहले क्वेश्चन में 1/(x) को हमने a माना, 1/(y) को b माना है, तो ये 7/(y) है ना, तो 1/(y) को b माने हैं, तो ये हो गया 7b, ठीक है। और 1/(x) को a माने हैं, तो ये हो गया 2a=5। अब मैंने a को पहले लिख दिया -2a+7b=5, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ, देखो 8/(y) है, तो 1/(y) क्या है, b है, तो ये हो गया 8b, ये हो गया 7a=15, फिर 7a+8b क्या हो गया 15, ठीक है। तो आप इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ए और बी का वैल्यू निकाल के उससे करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बस मैं इतना बता दे रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे तो आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे किस तरह का इक्वेशन है, 6x+3y=6xy, 2x+4y=5xy, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने लिखा 6x+3y=6xy। अब इसमें मैंने क्या किया, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों साइड में ये जो एक्स वाई है ना, इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, 6x/xy, 3y/xy=6xy/xy, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे x से x कैंसिल 6/y, यहाँ y से y कैंसिल 3/x, और xy से xy कैंसिल, कितना बचा 6। अब इसको पलट के लिख दिए, 3x+6y=6, ठीक है। मान लिया 1/(x=a, 1/y=b, ठीक है। तो क्या हो गया, 3a+6b=6। अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा और रिड्यूस हो सकता है, ये 3a+6b=6 है ना, तो इसमें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, a 3 2 6, और फिर 3 2 6, ठीक है। ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये इक्वेशन बन गया a+2b=2, बिल्कुल वही काम दूसरे इक्वेशन के साथ। अब देखो एक्स वाई है ना, दोनों साइड में एक्स वाई से डिवाइड कर दिया हमने, तो 2x/(x-y+4y/(x-y=5xy/(x-y), ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा 2/(y), वाई से वाई कैंसिल 4/(x), और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल क्या हुआ 5। तो क्या हुआ, ये 2b+4a=5, इसको पलट के लिख दिया 4a+2b=5। अब ये आपका बचा इक्वेशन नंबर 4 और ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके एक्स ए और बी का वैल्यू निकाल करके फिर उससे करस्पॉन्ड एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया है 10x+y+2x-y=4 और 15x+y-5x-y=2, ठीक है। तो इसमें भी रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के बाद देखिए इक्वेशन 2 स्टेप में सॉल्व होगा, तो इसको मैं पूरा बताऊंगा। अब देखिए 1/(x+y) को a मान लिया मैंने, 1/(x-y) को क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। तो अब पहले इक्वेशन में देखो क्या हो जाएगा, 10a+2b=4, ठीक है, 10a+2b=4। तो इसको भी हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10,
टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ठीक है। तो दो से डिवाइड अगर कर दिए तो क्या बना, बन गया फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, उसको मैंने दो से डिवाइड किया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। टू फाइव जा टेन, ये बी हो गया, टू टू जा फोर, ठीक है। देखो अगर कोई नंबर है, ठीक है, जिससे कि पूरा इक्वेशन क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो हम उससे कर देते हैं थोड़ा और छोटा करने के लिए, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये सीधे देखिए फिफ्टीन ए माइनस फाइव बी इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बने, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू आएगा, फिर एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, ठीक है। फिलहाल आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर थ्री और फोर ये हमारा बना था, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इलिमिनेशन करते कितना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हम चाहे तो ए को भी इलिमिनेट कर सकते हैं और चाहे तो बी को भी इलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी को इलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करके और फोर में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम थ्री इंटू फाइव प्लस फोर, तो फाइव से मल्टीप्लाई फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, हो गया फाइव बी, फाइव टू जा टेन, ये फिफ्टीन है माइनस फाइव बी माइनस टू, अब ऐड कर दिया, फाइव से फाइव कैंसिल, फोर्टी ए इक्वल टू एट, तो ए इक्वल टू एट अपन फोर्टी, तो एट वन जा एट, एट फाइव जा फोर्टी, वन अपन फाइव हुआ। अब ए का वैल्यू कितना है, वन अपन एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो वन अपन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन अपन फाइव, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया फाइव। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फाइव ए प्लस बी इक्वल टू टू, तो बी इक्वल टू क्या होगा, टू माइनस फाइव ए। अब ए का वैल्यू वन अपन फाइव है, तो फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, तो वन अपन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू माइनस वन कितना हो गया वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया वन। अब देखो आप इक्वेशन फाइव बना और क्या बना, इक्वेशन सिक्स, ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इनको सीधे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, वाई से वाई कैंसिल, टू एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स अपॉन टू थ्री हो गया, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो वाई इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, फाइव में से थ्री गया टू, एक्स का वैल्यू कितना हो गया थ्री, और वाई का वैल्यू टू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा आप लोग। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इसको ए मानेंगे, और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इसको क्या मानेंगे बी, ठीक है। तो आप देखो पहले इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम वन ये हो जाएगा ए प्लस बी इजल टू थ्री अपॉन फोर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थ्री बनेगा। दूसरे इक्वेशन से क्या बनेगा, फ्रॉम टू, ठीक है, ये हो जाएगा वन, इसको वन अपॉन थ्री एक्स वाई को ए माना है ना, ये हो जाएगा ए अपॉन टू और माइनस, ठीक है, इसको बी माना है तो बी अपॉन टू इजल टू माइनस वन अपॉन एट, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन टू इजल टू माइनस वन अपॉन एट, ठीक है, ए माइनस बी इजल टू क्या होगा, ब्रांच क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू अपॉन एट, तो ए माइनस बी इजल टू हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन फोर, टू वन जा टू, टू 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 फोर जा एट, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया फोर। अब आप देखो कितने सिंपल सिंपल इक्वेशन बने, एक ये बना और एक ये बना, अब इसको क्या होगा, बिल्कुल आप इसको आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ए और बी का वैल्यू निकलेगा। अब देखो ए और बी का वैल्यू आप निकालोगे तो जैसे यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू निकाल करके फिर ए का वैल्यू पुट किया ना वन अपॉन एक्स प्लस वाई, वैसे ही आपको थ्री एक्स प्लस वाई और थ्री एक्स माइनस वाई का वैल्यू मिलेगा। ए और बी का जब निकालोगे और इसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो थ्री एक्स प्लस वाई और थ्री एक्स माइनस वाई का वैल्यू मिलेगा। फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो हमको एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही था रिडक्शन, तो जहां जरूरी था वो मैंने आपको बताया, बाकी हिंट दे दिया, आप उस तरह उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।